हाउसिंग बोर्ड से इधर जमा हुए हैं और ये मसला इसी का बहुत दिनों से चालू है यहाँ पर। इसमें थोड़ी तकलीफात हो रही है लोगों को, थोड़ी चीज़ें हैं जो प्रॉपर तरीके से नहीं बनाई है, जैसे कि चांबट का जो दो तीन दिन पहले एक वीडियो वायरल हुई थी हमारे एरिया से, इसकी न क्यूरेशन हुई है न प्रॉपर फिक्सिंग हुई है, और फिर बाद में उनको पूछने के बाद लोग इधर से दीपावली के लिए गए हुए हैं, वो आने के बाद उनको रिपेयर करेंगे। हमने इंतज़ार किया, उससे पहले भी उन्होंने इस सिलसिले में हमने उससे बात की थी कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर उन्होंने बोला दीपावली के बाद आ जाएंगे और आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगा। तो हमने बहुत इंतज़ार किया, तो फिर उन्होंने दीपावली के बाद इसको कोई हमारी बातों को नज़रअंदाज करके आगे चले गए, और यही मसला आज भी है। और दूसरी चीज़ जो इनका पाइप ये लोग डाल रहे हैं, इसका डायमीटर बहुत छोटा है। हमारे एरिया में बड़ी बिल्डिंग्स हैं, तीन चार अपार्टमेंट्स हैं, अगर आप सोचिए चार अपार्टमेंट्स का पानी छः इंच के पाइप से जाएगा तो इससे क्या होगा। हम इधर कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, इस चीज़ को हम ये कर सकते हैं कि 6 इंच के पाइप के अंदर कितना फोर्स से पानी जाएगा और या ब्लॉक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। इस सिलसिले में हमने उनसे बात की तो उन्होंने चेंज करने का भरोसा दिया। फिर बाद में म्यूनसिपाल्टी में उन्होंने अपने म्यूनसिपाल्टी के सदर से बात करते हुए उन्होंने अपनी बात से पलट गए। उन्होंने कहा कि हमने ला के रख दिया है इस पाइप को, जो कि 10 इंच का पाइप ला के रख दिया है, ये लोगों को दिखाने के लिए न के डालने के लिए। हमारी मांग ये है जो मेन रोड है, जैसे कारगेदे का रोड और गुडलक रोड और इधर मोहल्ला के सामने जो रोड अंदर जा रहा है हाउसिंग बोर्ड में, ये तीनों रोड जो मेन रोड है उसके ऊपर 10 से 12 इंच का पाइप डाला। ये हमारी मांग है, इस मांग को लेके हम यहाँ पर ठहरे हुए। आज क्या करने से पहले हमारी डिमांड अगर वो लोग मांग दे तो फिर हम रोकेंगे ना, ये काम होना चाहिए। हम चाहते हैं काम हो जाए लेकिन अच्छे तरीके से हो जाए, ये हमारी मांग है। कारगेदे से काउंसिलर हूँ, मेरा नाम बिलाल अहमद कमरी है। بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على محمد وعلى اصحابه اجمعين। आज हम लोग यहाँ पर पूरे कारगद्दी और हाउसिंग बोर्ड के जिम्मेदारान और यहाँ के पब्लिक के एचबी ग्राउंड के पास जमा है। हमारा मकसद ये है कि हमारे इलाके में ड्रेनेज का काम कई दिनों से चल रहा है, इस सिलसिले में हम लोगों ने तंजीम के जिम्मेदारों से भी राबिता कायम किया है, और हम लोग इस सिलसिले में हमारे मोहल्ले के पूरे लोगों को जमा करके परसों रात में भी हम लोग बैठे हुए थे। हमारा मकसद ये आज जमा होने का कि ड्रेनेज का जो काम यहाँ पर जारी है वो काम सही तरीके से हो जाए, क्योंकि फ्यूचर में इसके ज़रिए से हमारे जो कुएं हैं और ये ख़राब ना हो और हम लोगों को यहाँ पर परेशानी ना हो। तो हम लोग एक डिमांड रख रहे हैं कि जो इसके जिम्मेदार हैं, जो इनके इंजीनियर हैं, कि हमें इस सिलसिले में गारंटी दें कि जैसे कि अभी हमें हमारे काउंसिलर साहब बिलाल साहब ने भी पूरी तफसील के साथ बता दी कि हमें यहाँ जमा होने का मकसद यही है कि यहाँ पर जिस तरीके से काम सही तरीके से होना चाहिए था उस तरीके से नहीं हो रहा है। परसों भी हम लोग जमा हुए थे और बाकायदा तौर पर यहाँ पर क्या क्या कमी है उसके जिम्मेदारों को और उसके जो काम करने वाले हैं उनको दिखा दिया है कि पाइप के सिलसिले में भी जो बारीक पाइप है और इससे ज़्यादा गिराई के सिलसिले में और अंदरून में जो काम हो रहा है ये सही तरीके से नहीं हो रहा है। हम लोगों का मकसद यही है जमा होने का कि एक काम सही तरीके से हो जाए और अच्छे तरीके से हो जाए, ताकि फ्यूचर में हम लोगों को यहाँ पर किसी तरह की तकलीफ ना हो और पब्लिक को तकलीफ ना हो। और इस तरह के काम अगर ख़राब हो जाएंगे तो अंदरून के जो कुएँ हैं, अंदरून से गटर सिस्टम और ये गंदगी अंदर फैल कर सबों को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे हमारे भड़कड़ के जो तकिया का जो इलाका था उस इलाके में हमें तजुर्बा है, इसी तरह से दूसरे इलाकों में भी हमें तजुर्बा है। तो हम लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ये काम अच्छी तरीके से हो और ताकि आइंदा इस सिलसिले में कोई परेशानी का सामना करना न पड़े। जज़ाकअल्लाह खैर। उसकी जुबानी हम लोग सुने क्या हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है, हमारे डिमांड को आप क्यों नहीं कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह हम अगले मरहले में इंशाल्लाह एसीसी तहसीलदार से हम लोग इंशाल्लाह उसको देने के बारे में हम सोच रहे हैं, और इस सिलसिले में इंशाल्लाह बहुत जल्द कदम उठाएंगे इंशाल्लाह। के जो इंजीनियर हैं
वो लोगों से पहले जब बात हमारे एरिया वाले मोहल्ले वाले करेंगे, उसके बाद में सबको क्लियरिटी हो जाएगी कि ये प्रोजेक्ट उन्होंने क्या बेसिस पे किस कैलकुलेशन पे किया है। कंपनी वालों को इसके प्रोजेक्ट के ज़्यादा डिटेल्स जो रिसर्च पे और जो फैक्ट्स और जो डेटा एनालिसिस पे एक प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया जाता है वो कंपनी के पास डेटा नहीं रहता है, वो डेटा जो है वाटर बोर्ड के इंजीनियर के पास रहता है जो ये प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया था जिन लोगों ने। भाई ये सब जानते हैं आप, आने वाले दिनों में मेमोरेंडम भी देंगे, कल आप देखेंगे और इस जो मुद्दे को जो है ना आखिर तक तकमील तक पहुँचाएंगे और हमारे मोहल्लों में हम लोग अच्छा काम करवा के लेंगे। अब हमारा मकसद ये नहीं है कि कंपनी वालों को यहाँ से भगाएं या कंपनी वालों का काम रोकें, हम काम रोकेंगे उनका ज़रूर रोकेंगे और सेटिस्फैक्ट्री काम करा के लेंगे। एक बार पहले हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का जो इंजीनियर है उसकी ज़ुबानी हम सुने वाटर बोर्ड के इंजीनियर से कि वो लोग उन लोगों ने क्या हिसाब से किस कैलकुलेशन के बेसिस पे ये पाइपलाइंस और ये प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है, उसकी ज़ुबानी हम सुनने के बाद में जो है आगे, क्योंकि अब तक जो है गवर्नमेंट के किसी इंजीनियर ने भी हमसे राबता नहीं किया और हमको जो है कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, तो एक मौका हम उनको भी देंगे, वो बात अपनी रखें, उसके बाद में हम अपना जो है एक्शन आगे का कदम बढ़ाएंगे। ये लोग करते हैं और हमको जो है पब्लिक अगेंस्ट द यहाँ के सिटीजन्स जाके यहाँ की जो आवाम है उनके प्रो पब्लिक ना हो के जो है पब्लिक के अगेंस्ट अगर ये प्रोजेक्ट ऐसे होता है तो इस प्रोजेक्ट को हम आगे जो है लोकायुक्ता भी लेके जाएंगे और अगर कोर्ट को जाने की ज़रूरत पड़ी वहाँ तक भी हम जाएंगे, कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और ऐसे अनसाइंटिफिक प्रोजेक्ट को हम बिल्कुल भी एग्जीक्यूट होने नहीं देंगे। अगर इस पाइपलाइन आज जो इन लोगों ने ले किया हुआ है, अगर कल को ये साबित होता है कि ये पाइपलाइन कम्प्लीटली अनसाइंटिफिक है और आगे के 5 से 10 साल में ये पूरा प्रोजेक्ट फेल होने वाला है, तो इन कंपनी हम यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में बहुत स्ट्रांग प्रोटेस्ट करेंगे और ये जो पाइपलाइन को ले किया है इसको हम निकालने की भी ताकत रखते हैं और निकाल के भी दिखाएंगे। पॉपुलेशन बेसिक थिंग्स पूरे स्टडी किया हुआ है, यहाँ पे आज जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोगों ने डिस्चार्ज जो होता है एक एक घर से जो डिस्चार्ज होता है उस डिस्चार्ज के हिसाब से आज जो है एक 6 इंच के पाइप में अराउंड 5.5 लीटर्स पर सेकेंड का डिस्चार्ज है, उस पाइप को आज यहाँ पे ले कर रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में जो है अब प्रेजेंट हमारा जो डिस्चार्ज है यहाँ के मोहल्लों के हिसाब से हम देखते हैं तो 2 लीटर पर डे है, आगे आने वाले दिनों में एक कंपाउंड में आज एक घर है 3 से 4 अपार्टमेंट्स हो जाएंगे। आपके सामने ही यहाँ पे एग्जांपल है 3 से 4 माले का अपार्टमेंट्स हो रहे हैं, तो जब ऐसे ज़्यादा तादाद बढ़ जाएगी पॉपुलेशन प्रोजेक्शन इनका अगर गलत साबित हुआ और यहाँ पे जो है वास्टली अर्बनाइजेशन बढ़ता रहा और उसको इन्होंने ध्यान में ना रखते हुए अगर प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया है तो कम्प्लीटली आगे 2-3 सालों में ही फेल कर जाएगा। और दूसरी चीज़ें जो है ये प्रोजेक्ट में इन्होंने सिर्फ डोमेस्टिक सीवेज को कैलकुलेट करके ये प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया है, इन्होंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का बिल्कुल भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया। अब हम देखते हैं पूरा कारगद्दे एरिया में और गुडलक रोड में हाउसिंग बोर्ड में कहीं पे भी स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स नहीं है, 90% जगहों पे नहीं है, और स्ट्रॉन्ग वाटर का पानी अगर इन ड्रेन्स में कल को चला जाता है तो इमीडिएटली अगले ही साल मैं कह सकता हूँ एज ए इंजीनियर मैं बता सकता हूँ कि इमीडिएटली अगले ही साल हमको और ज़्यादा साल वेट करने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट साल ही हमारे चेम्बर्स ओवरफ्लो कर जाएंगे क्योंकि हमारा जो प्रेसिपिटेशन है बहुत ज़्यादा रहता है बरसात के टाइम पे और इस प्रेसिपिटेशन को जो है ये लोड ये पाइप्स नहीं ले पाएंगे और ये चेम्बर्स भी नहीं ले पाएंगे। तब इसलिए हमारे जो जहन में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं और बहुत सारे जो हैं ये प्रोजेक्ट को लेके क्लियरिटी बिल्कुल भी नहीं है। हम एक बार गवर्नमेंट का जो अपॉइंटेड इंजीनियर है वाटर बोर्ड का इंजीनियर है उसके ज़ुबानी हम सुनना चाहते हैं कि उन्होंने किस कैलकुलेशन के बेसिस पे 6 इंच के पाइपलाइंस और इतने कम वाले डेप्थ वाले चेंबर्स इन्होंने डिज़ाइन किए हैं। कल को हमें साबित हुआ उनकी बात हमको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगी। अब यहाँ पे हमारे एरिया में बहुत सारे टेक्निकल जानकारी रखने वाले लोग हैं, सीनियर इंजीनियर्स भी हैं, उनको भी पता है क्योंकि हमको वो लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते कोई टेक्निकल चीज़ों के मामले में, इंजीनियरिंग की चीज़ें हम भी जानते हैं, पूरी थ्योरी हमें पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी थोड़ा बहुत रखते हैं, तो उस नॉलेज पे हम लोग जो है पूरा एक्सेस करेंगे और पूरा कम्प्लीटली इस जो प्रोजेक्ट को हम लोग मॉनिटर करेंगे, अगर हमें गलत लगता है तो बिल्कुल एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे और जो ले की हुई लाइन्स है इन लाइन्स को निकालने की भी ताकत रखते हैं हम और हमारे काउंसिलर्स भी ये ताकत रखते हैं, कल को ये ऑर्डर देके ये निकाल भी लेंगे और बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देंगे इस प्रोजेक्ट को।